नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी। एलेंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भजिया कढ़ी। छत्तीसगढ़ में हम इसे तीज त्योहार पर और ऐसे भी बनाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी बेसन, इसे मैंने छान लिया है। अब एक बड़े बर्तन में बेसन को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिलाते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। हम भजिया कढ़ी बना रहे हैं तो इससे हम भजिया बनाएंगे। ऐसे हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और देखिए ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इतना ही रखना है हमें और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कद्दूकस किया हुआ लहसुन, बारीक कटा प्याज, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। अब मिला देंगे इसे अच्छे से। ये देखिए बैटर हमारा इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब गैस पर तेल रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हाथ में थोड़ा पानी लगाकर हम भजिया बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं। तेल हमारा थोड़ा अच्छे से गर्म हो। ये देखिए इतना, जिस तरह जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं तेल गर्म रखते हैं, उतना ही तेल गर्म रखें। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो तो गैस कम कर लें। ये देखिए भजिया हमारा अच्छे से तल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के भजिया भी हम तल लेंगे। ये देखिए सारे भजिया हमारे तैयार हैं। अब चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। उसी कटोरे में हम 3 चम्मच बेसन लेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसका कढ़ी के लिए घोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कढ़ी के लिए घोल बना लेंगे। पूरे बर्तन में लगे हुए बेसन को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। ये देखिए घोल हमारा बन गया। अब हम कढ़ी के लिए 1 कटोरी खट्टी दही लेंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से, और इस मथनी से हम इसे अच्छे से घोंट लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें तेल गरम कर लेंगे 3 चम्मच। तेल हमारा गरम हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, बारीक कटा प्याज डाल देंगे, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी हुई, मिला देंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। आप कोई भी ऐसे मेथी पत्ता डाल सकते हैं। थोड़ा मीठा नीम डाल देंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मिला देंगे इसे अच्छे से। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे मिला देंगे अच्छे से। मसाला हमारा सूखा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भून लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट में मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें जो बेसन का घोल बनाए थे वो डाल देंगे और मिला देंगे इसे अच्छे से। अब हम जिस बर्तन में घोल बनाए थे थोड़ा और पानी डालकर ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये और भी थोड़ा ठंडा हो जाए, जिससे दही हमारा फटे ना। अब हम इसमें दही डाल देंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से।
अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे। आप चाहें तो गैस का फ्लेम फुल भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि कढ़ी पर उबाल आने पर ये नीचे ना आ जाए, इसलिए इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच में। भजिया कढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ में तीज के समय जिस दिन हम बासी खाते हैं ये ज़रूर बनाया जाता है, और आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं जब कोई सब्जी ना हो तो बढ़िया भजिया कढ़ी बनाइए, और गर्मी में तो ये सब्जी खट्टी वाली बहुत ही पसंद किया जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखें। गैस का फ्लेम मीडियम है और कढ़ी को 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इसे 2 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें भजिया डाल देंगे, मिला देंगे इसे अच्छे से और 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और कढ़ी को थोड़े देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि भजिया अच्छे से फूल जाए। आप अपने हिसाब से कढ़ी का गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। ये देखिए स्वादिष्ट हमारी कढ़ी की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।